हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। अयाना लाइफस्टाइल की तरफ से हम आप सबको न्यू ईयर विश करते हैं। वी विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। आज का डिज़ाइन 2019 का पहला डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन जेंट्स का स्वेटर पैटर्न है। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इसे कोई बिगिनर भी इजीली बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को हमने सिर्फ सीधे फंदे और उल्टे फंदों पे बनाया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप 100 से 110 फंदे डाल सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप जानना चाहते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधी बुनी जाएगी। इसमें एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, वापस ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए, यानी कि एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी पहली सिलाई को ओवर करना होगा। ध्यान दें, ये सैम्पल हम आपको 24 फंदों में डाल के दिखा रहे हैं और 22 सिलाई में जाके ये डिज़ाइन हमारा ओवर हो जाएगा। आज का डिज़ाइन 8-8 फंदों के मल्टीपल में डलेगा। ध्यान दें, आज का डिज़ाइन बहुत सिंपल डिज़ाइन है, पर ये 22 सिलाई में जाके ओवर होगा। तो अगर आप इसे बनाने में इंटरेस्टेड है तो पूरी 22 सिलाइयाँ अच्छे से देखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। देखिए, इसमें जो नॉट वाला फंदा है उसे हम उल्टा बुनेंगे और जो फली वाला फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे, यानी कि एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर वापस ऊन आगे ला के एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी दूसरी सिलाई को भी ओवर करना होगा। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी दूसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इसमें एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, वापस ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हमारे 6 फंदे सीधे और उल्टे हो गए। फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे बुन देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो 8 फंदों में जाके हमारा डिज़ाइन ओवर होता है। अब हम वापस इसको रिपीट करेंगे। इसके लिए देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुन देंगे, वापस ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा और ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमारे 6 फंदे हो गए। फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे बुन देंगे। इस तरह से हमने दूसरी बार में भी इस डिज़ाइन को रिपीट कर दिया। अब तीसरी बार हम वापस इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आज का डिज़ाइन 8-8 फंदों के मल्टीपल में बनाया जाएगा, तो 8 सिलाई में जाके ये ओवर हो जाएगा। हमने 3 पार्ट्स इस डिज़ाइन के डाले हैं। देखिए, इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं चौथी उल्टी सिलाई पर। इसमें 2 फंदे शुरू के हम उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, हमारी फली आ गई है तो ऊन पीछे ले जाके हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा और ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुन देंगे। यहाँ पे हमारी डिज़ाइन ओवर होती है। फिर वापस हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे और उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 5 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट भी डिज़ाइन का ओवर होता है। फिर तीसरा पार्ट आपको इसी तरह से रिपीट करना होगा। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी चौथी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं पांचवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर वापस ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे।
इस तरह से 5 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके 6ठा, 7वां और 8वां फंदा हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमारा एक डिज़ाइन ओवर होता है। अब हम वापस रिपीट करेंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा बुन देंगे, फिर वापस ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 6ठा, 7वां और 8वां फंदा हम सीधा बुन देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने हमारा सेकंड पार्ट भी डिज़ाइन का ओवर कर दिया। इसके बाद तीसरा पार्ट भी आपको पहले और दूसरे पार्ट के जैसे बनाना होगा। आप देख सकते हैं हमारी 5वीं सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 6ठी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा। और आप देख सकते हैं हमारा एक पार्ट ओवर हो गया है। अब हम वापस रिपीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा और ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी ओवर होता है। अब तीसरा पार्ट भी आपको पहले और दूसरे पार्ट के जैसे ओवर करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 6ठी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कम्प्लीट करने के बाद हम आते हैं 7वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमारा डिज़ाइन का एक पार्ट ओवर होता है। अब हम वापस रिपीट करेंगे इसे दूसरे पार्ट में। तो इसके लिए 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर वापस ऊन पीछे ले जाके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी ओवर होता है। थर्ड पार्ट भी आपको पहले और दूसरे पार्ट के जैसे रिपीट करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 7वीं सीधी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 8वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा और वापस ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा। इस तरह से हमारा एक पार्ट ओवर हो गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में वापस 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी ओवर होता है। थर्ड पार्ट आपको पहले और दूसरे पार्ट के जैसे रिपीट करना होगा। थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट ओवर होता है। इसके बाद इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। इसमें 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ध्यान दें, ये जो नॉट वाला फंदा है इसे भी हमें सीधा बुनना होगा। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारा एक पार्ट ओवर होता है। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम वापस रिपीट करेंगे, ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा और ऊन पीछे ले जाके 5 फंदे सीधे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारा सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट ओवर होता है। फिर ऊन आगे लाके हम सेम स्टेप्स थर्ड पार्ट में भी रिपीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 9वीं सीधी सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 10वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे।
और इस तरह से 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमें ये जो फली वाला फंदा दिख रहा है इसे हम ऊन पीछे ले जाके सीधा बुन देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके ये जो नॉट वाला फंदा है इसे हम उल्टा बुन देंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमारा एक पार्ट ओवर होता है। फिर ऊन आगे लाके हम वापस स्टेप्स को रिपीट करेंगे, 5 फंदे उल्टे बुन देंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, और फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर वापस ऊन आगे लाके हम थर्ड पार्ट को रिपीट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 10वीं उल्टी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 5 फंदे सीधे बुन देंगे। इस तरह से हमारा 8 फंदों का एक पार्ट ओवर होता है। इसके बाद दूसरे पार्ट को हम वापस रिपीट करेंगे, ऊन आगे लाके 3 फंदे उल्टे बुन देंगे, और 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके 5 फंदे सीधे बुन देंगे। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी ओवर होता है। इसके बाद ऊन आगे लाके आपको वापस थर्ड पार्ट को पहले और दूसरे पार्ट के जैसे रिपीट करना होगा, और इस तरह से हमारी 11वीं सीधी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 12वीं उल्टी सिलाई पर। इसमें शुरू के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमारा एक पार्ट ओवर होता है। अब हम वापस सेकंड पार्ट रिपीट करेंगे, ऊन आगे लाके 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 3 फंदे सीधे बुन देंगे। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी ओवर होता है। थर्ड पार्ट भी आपको पहले और दूसरे पार्ट के जैसे सेम टू सेम रिपीट करना होगा, और आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी ऑलमोस्ट ओवर होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 13वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 4 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमारे डिज़ाइन का एक पार्ट ओवर होता है। इसके बाद बाकी के जो दोनों पार्ट हैं 8-8 फंदों के, वो आपको इन्हीं 8 फंदों को रिपीट करते हुए बनाना होगा। और देखिए यहाँ पे हमारी दूसरी डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। अब हम वापस तीसरी डिज़ाइन रिपीट करेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 13वीं सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 14वीं उल्टी सिलाई पर। इसमें एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद वापस ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमारा एक पार्ट डिज़ाइन का ओवर होता है। इसके बाद बाकी के जो दो पार्ट हैं उनमें आपको इन्हीं 8 फंदों के जैसे रिपीट करते हुए सिलाई को कम्प्लीट करना होगा। और देखिए यहाँ पे हमारी दूसरी डिज़ाइन भी ओवर होती है। इसके बाद तीसरी डिज़ाइन भी आपको इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए बनानी होगी। इस तरह से हमारी 14 सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 15th सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुन लिए। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनना होगा,
फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 8 फंदों पे डिजाइन ओवर होती है। इसके बाद जो बाकी की 2 डिजाइन है वो आपको इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए पूरी करनी होगी और इस सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारी दूसरी डिब्बी भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद तीसरी डिब्बी भी आपको इसी तरह से रिपीट करनी होगी। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 15वीं सीधी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 16वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 4 फंदे उल्टे बनेंगे। इस तरह से 4 फंदे उल्टे बनने के बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो 8 फंदों पे हमारे डिजाइन बन गया है और बाकी की पूरी 16वीं सिलाई आपको इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए बनानी होगी। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 16वीं उल्टी सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 17वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में पहला फंदा उल्टा बनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे, इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर वापस ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बनेंगे। और आप देख सकते हो हमारे 8 फंदे बनके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हमारी डिजाइन बन गई है। अब इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको बाकी की 2 डिजाइन को भी कंप्लीट करना होगा और आपकी 17वीं सिलाई को ओवर करना होगा। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 17वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 18वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का पहला फंदा हम सीधा बनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इस तरह से आप देख सकते हो हमारे 8 फंदे बनके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको बाकी की 2 डिजाइन्स को भी कंप्लीट करना होगा। और आप देख सकते हो हमारी 18वीं सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 19वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 3 फंदे हम उल्टे बनेंगे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, और फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इस तरह से आप देख सकते हो हमारे 8 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। पहली डिजाइन ओवर होती है। इसके बाद बाकी की जो 2 डिजाइन्स हैं वो आपको इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए बनानी होगी। और आप देख सकते हो इस तरह से हमारी 19वीं सीधी सिलाई भी ओवर होती है।
इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 20वीं उल्टी सिलाई पर। इसमें एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा और ऊन पीछे ले जाके तीन फंदे सीधे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी पहली डिजाइन बनके रेडी हो गई है। अब बाकी की जो दो डिजाइन हैं वो इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको बनानी होगी और पूरी 20वीं सिलाई ओवर करनी होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, 21वीं सिलाई आपको पहली सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी और 22वीं सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। 22 सिलाई में जाके हमारा आज का डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। इस डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। इसके बाद 23rd सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।